हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए हमारे कबाब, स्टिक वाले बेहतरीन से कबाब दिखने में लग रहे हैं ना, कितने अच्छे, जो हमारे तवे पे फ्राई हो रहे हैं मिट्टी के चूल्हे पे। बीच में जगह है तो मैं ये गोल भी डाल देती हूँ। बड़े ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं, ट्राई ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाया है। तो वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल सोविया की डिश। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक भी होंगे, फिटफाट भी होंगे। तो सबसे पहले हमने मटर ले ली है। मटर अभी सीज़न में है, अच्छी अच्छी मिलती है, इसके बाद अच्छी नहीं लगेगी। तो आप फटाफट से बनाएं कटलेट और इन्जॉय करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसे लगते हैं मेरी रेसिपी। तो सबसे पहले हमने एक तवा लिया है, उसमें हम ज़ीरा डालेंगे थोड़ा सा, 4-5 दाना काली मिर्च के हैं, मिल गए थे, मैंने हटाया नहीं, इसमें डाल दूंगी। अब ये मैंने एक बड़ा चम्मच लिया है धनिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे सौंफ, अब इनको हम भून लेंगे। अब हम चूल्हे पे एक बर्तन रख देते हैं, जिसमें भी आपको बनाना हो आप अपने अनुसार रख लीजिए। मैंने एक जो है पतीला रख लिया है, इसमें मटर को डाल देंगे, इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी इतना डालें कि ये मटर भी सॉफ्ट हो जाए और पानी उसी में खुश्क हो जाए। ज़्यादा डालेंगे तो फिर निकालना पड़ेगा, उसको सुखाना पड़ेगा या तो फिर छन्नी से छानना पड़ेगा। अब नमक डाल के इसको पका लेते हैं। ये देखिए सॉफ्ट हो गई है। अब इसको मैशर से मैश कर लेते हैं, आप चाहें चॉपर में कर लें या मिक्सर में कर लें। सॉरी ये सरक गया। इसको देखिए अच्छे से कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा मोटा रह जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। बड़े ही टेस्टी बन के ये कटलेट और कबाब बन के तैयार होते हैं गाइस, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भी भूलिएगा, जो बिल्कुल फ्री है। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आसान सी, कम सामान में, कम मसाले में रेसिपी बनने वाली आपको कैसी लगती है। अब इनको मैंने भुनने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसको बारीक सा नहीं पीसेंगे, थोड़ा दरदरा ही पीसेंगे। चलिए ये पीस गया है। अब हम फिर से अपने मटर के बैटर को ले लेते हैं। ये देखिए थोड़े थोड़े मोटे हैं, कहीं कहीं कोई बात नहीं। मसाले को इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने ये लिए हैं आलू, बॉयल आलू। 3 आलू थे मेरे पास, मैंने इनको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो मैश करके भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो आलू ना भी डालें। अब इनको सबको अच्छे से मिला लेंगे। सबको अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो है वो पूरा एक जैसा हो जाए, मटर और आलू और मसाले हमारे अच्छे से एक में मिल जाए। अब चूल्हे पे फिर से आ गए, पैन ले लिया हमने, ऑयल डाला थोड़ा सा, अब इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी अजवाइन, थोड़ी सी राई डालेंगे, थोड़ी करी पत्ते को भी डालेंगे। आप चाहें यहाँ प्याज भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अगर मर्ज़ी हो तो, उससे भी बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन मैंने सिंपल झटपट बनाया इसलिए मैंने ज़्यादा सामान ऐड नहीं किया। अब अदरक लहसुन भून लेते हैं ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। अच्छे से इनको भून लेंगे। अब इनमें हम मसाले कुछ ऐड करेंगे, और ये गरम मसाला मैंने 1 चम्मच डाला। आप चाहे पाउडर वाला भी गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। नमक डालूंगी मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्च डालेंगे, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इनको फिर से अच्छे से भून लेंगे और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे ताकि कलर अच्छा आए। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि हमारे मसाले कच्चे ना रहें, पानी
पानी डाल के थोड़ा सा अच्छे से धीमी आंच पे भून लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, इससे चटपटा सा हो जाएगा, ये बड़ा बढ़िया सा टेस्ट आएगा इसमें। अब ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें ये देखिए जो हमारा मटर आलू वाला मिक्सचर तैयार करके रखा था उसको हम ऐड कर देंगे। तो है ना आसान सा, बस किचन के थोड़े से सामान से फटाफट से टेस्टी कटलेट और कबाब तैयार। एंजॉय करिए, बच्चों को भी खिलाइए, खुद भी खाइए और मज़े करिए और तारीफ़ें पाइए। अब क्या करेंगे, अच्छे से ये देखिए भून लेंगे इसको ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए। यहाँ पे आप बेसन भी ऐड कर सकते हैं, मैं एक चम्मच मैदा डाल देती हूँ, बस ज़्यादा नहीं, एक चम्मच। ये देखिए लगभग ये एकदम ड्राई हो चुकी है। ये देखिए हमारे तैयार हो गए मसाले अच्छे से। इसको हम बटाने वाले हैं अपने मिट्टी के चूल्हे पे, आप चाहे गैस पे बनाएं, मुझे वहाँ बनाना बहुत अच्छा लगता है। अब इनको हम ठंडा कर लेंगे एक बर्तन में निकाल कर। चलिए हमारे ठंडे हो गए हैं, ये देखिए अब इनको हम हाथ में लेंगे, थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि हाथ में हमारे चिपके नहीं। ये देखिए छोटा सा पोर्शन लिया मैंने, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, मेरे बच्चे बड़े अच्छे से खाते हैं। आप भी बच्चे के लिए बनाएंगे तो वो बहुत खुश होंगे। ये देखिए लग रहा है ना कितना बेहतरीन आइसक्रीम की तरह। अब इस पर हम थोड़ा सा मैदा लगा लेंगे उलट पलट के सूखा, आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर भी लगा सकते हैं। ये देखिए अपने मन पसंद शेप भी आप बना सकते हैं, गोल बना लें लॉलीपॉप की तरह, मैंने इसको आइसक्रीम की तरह बनाया। ये देखिए तैयार, सारे को मैंने तैयार कर लिया है, लग रहे हैं ना कितने खूबसूरत, देखते ही मन कहेगा फटाफट से बनाओ और खाओ। अब जो हमारे बच्चे हैं उनको ले लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है अंडा, इसको हम थोड़ा डिफरेंट स्टाइल बनाएंगे, उसमें मैंने कुछ नहीं डाला। इसमें देखिए अंडा लेंगे, फेंट लेंगे उसको, आप चाहे यहाँ थोड़ा नमक डाल लें, थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल लें, थोड़ा चाट मसाला डाल लें अंडे में, मैं कुछ नहीं डाल ली। ये देखिए ब्रेड क्रम्ब ले लिया मैंने, ये थोड़ा मोटा, इसको हटा देते हैं, डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी अच्छा लगेगा। ब्रेड क्रम्ब में थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है और कुछ नहीं। अब ये देखिए एक पेड़े लेंगे अपने, जितना बड़ा हमको बनाना होगा उतना बड़ा ले लेंगे, आपको छोटा बनाना हो बड़ा बनाना हो उतना बड़ा ले लें। मैंने जैसे कबाब बनाते हैं उस साइज़ का ले लिया है, बस तुरंत बन जाते हैं बड़े आसानी से। पानी हाथ में लगा लें तो चिपकेंगे नहीं, या ऑयल लगा लें। अब इसको हमने अंडे में डिप किया, अब हम इसको ब्रेड क्रम्ब में ये देखिए इसे उलट पलट लेंगे ताकि ये सब अच्छे से कोट जाए। ये देखिए तैयार हो गया है, आप चाहे कुछ और भी लगा सकते हैं, वो जो चिप्स मिलती है उसको बारीक चूरा बना लें, पीस लें, उसके बाद उसको ऊपर से कोट कर लें। मैंने सिंपल ब्रेड घर में रहती है इसीलिए सिंपल सामान से सिंपल बनाया है और टेस्टी भी, दूसरे को भी इसी तरह से बना लेंगे। फिर से हम इसको ब्रेड क्रम्ब में डुबा देंगे। ये देखिए मैंने बर्तन बदल लिया है, प्याली में थोड़ा दिक्कत हो रही थी लगाने में, इसको फिर से अच्छे से ऊपर से पूरा कोट कर देंगे। ये देखिए हमारे तैयार हो गए हैं, लग रहे हैं ना कितनी बेहतरीन हमारी प्लेटें। ये देखिए आ जाते हैं फ्राई करने की, और ये देखिए हमारा मिट्टी का चूल्हा जल रहा है, कितने अच्छे से रखेंगे उसके ऊपर तवा,
तवे को गरम होने देंगे। अब इसमें ऑयल ऐड कर देंगे तवे में। ये देखिए ऑयल हमारा गरम हो गया, ये देखिए ऑयल हमारा गरम हो गया। अब हम इसमें अपनी स्टिक को डाल देते हैं। ये देखिए लग रही ना कितनी खूबसूरत। ये देखिए बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, बड़े भी बड़े शौक से खाते हैं। बड़ा ही टेस्टी क्रिस्पी सा बन के तैयार होता है, बनाइएगा ज़रूर। एक तरफ सीख गए हैं, अब इनको हम पलट लेते हैं। ये देखिए सुनहरा हो गया, ये देखिए सबको पलट लेंगे। देखने में जितना टेस्टी खाने में भी, देखने में जितना खूबसूरत खाने में उतना ही टेस्टी। अगर आपके यहाँ छोटी मोटी पार्टी है तो आप ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए सीख गए मेरे। बीच में एक गोल वाला भी हम डाल देते हैं, जगह थी तो मैंने डाल दी। अब ये देखिए मेरा स्टिक वाला, मैंने इसको निकाल लिया। ये देखिए बेहतरीन सा झटपट हमारा मटर का लॉलीपॉप बन के तैयार हो गया। ये देखिए एंजॉय करिए। अब ये देखिए मैंने अपने बड़े वाले को भी डाल दिया है, उलट पलट के मैंने इसको भी सेक लिया है सेम तरीके से। ये देखिए कितने अच्छे से ही मेरे फ्राई हो गए, मैं इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक फॉर